हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल. यू आर वाचिंग जेई लाइव डेली. और आज बच्चों हम फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर से आपको जेई मेंस में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का मिलता ही है, विच इज़ ए ह्यूज थिंग. अगर आप सोचो कि यहाँ पर आपको 30 में से एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा ही, तो आप सोच सकते हो यहाँ पर बाकी और कौन कौन से टॉपिक्स हमने इतने मुश्किल से पढ़े हैं जिनके ऊपर से एक क्वेश्चन आता है. बायनोमियल हमने इतने मुश्किल से पढ़ा है, अगर तो उसके ऊपर से भी एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स पे से भी एक क्वेश्चन आएगा. तो यहाँ पर हमें यह समझने की बात है कि अगर आपको यहाँ पर एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो वॉट टॉपिक्स वी शुड फोकस ऑन. तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स. इसलिए यहाँ पर बच्चों हम इस टॉपिक को अभी इस वीक में कंप्लीट कर रहे हैं. इसके पहले इस वीक में बच्चों हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, सेट्स एंड रिलेशंस कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. उसके ऊपर से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. और कल बच्चों हम फिर से एक टॉपिक करेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है, सो ये जो बच्चों मैंने 5-6 लेक्चर्स आपके एक सीरीज में लिए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज गेटिंग गुड मार्क्स इन मेन्स इज कंसर्न. ठीक है, यू हैव टू डू दीज टॉपिक्स वेरी वेल, ताकि आपको यहाँ पर एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो है ही हमारे वाले जो हम अच्छे से करके आएंगे. ये आपको अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको बाकी टॉपिक्स करने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, यू कैन एक्चुअली मूव ऑन टू डूइंग मच डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस. ठीक है, तो आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, और यहां पर बच्चों आप जो टीम देख रहे हो, दिस इज अनअकैडमी जेई सिग्नेचर टीम जो आपकी यहां पर मदद कर रही है. यस, दिन रात मेहनत कर रही है सो दैट वी कैन डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल. तो अगर कोई यहाँ पर नया है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो. ठीक है, और यहाँ पर जल्दी से वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हर क्वालिटी एजुकेशन, हर वीडियो में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है. ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा डिस्कशन. आई होप यहाँ पर आप जयंत सर, पारस सर और नमो सर की क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड कर रहे हो. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स, ताकि आपको यहाँ पर एंटायर सिलेबस का वो बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. ठीक है, उसके बाद फिर यू कैन डिसाइड कि आपके कौन से वाले टॉपिक्स हैं जिनको आप मास्टर करना चाहते हो. ठीक है, देयर कुड बी इंस्टेंसेस जहां पर आप सोचोगे कि अच्छा हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया लेकिन ये हमें उतने लेवल तक समझ में नहीं आया जितना हमें बाकी टॉपिक समझ में आ रहे हैं. सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड टू लीव अ फ्यू टॉपिक्स. ठीक है, इवन इफ यू वॉन्ट टू टॉप जेई मेन्स और जेई एडवांस, उसके अंदर सारे क्वेश्चन करना होता है ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि आपको अगर क्वालिफाई करना है देन द स्कोप इज ह्यूज. ठीक है, यू कैन डेफिनेटली सिलेक्ट सम गुड टॉपिक्स एंड देन क्रैक दीज एग्जामिनेशन. ठीक है, सो वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट एट सिलेक्टिंग टॉपिक्स. वन ऑफ द स्मार्ट टॉपिक्स इज स्टैटिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग टूडे. ठीक है, ऑल राइट, और बच्चों आपको अगर इसी तरह से और भी गाइडेंस चाहिए, आपको और भी हमारे साथ में डिस्कशन करना है, देन वी ऑल आर प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. सारे के सारे जो आपके यहाँ पे टीचर्स हैं जो आपको अनअकैडमी जेई चैनल पर मदद कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस लेकिन बच्चों सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपको क्लासेस लेने के पहले इनिशियल थोड़ा सा अमाउंट दे के सब्सक्राइब करना होता है, देन यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टीचर्स देयर. लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर जो भी कुछ मिसिंग लग रहा होगा वहां पर वो सारी फैसिलिटीज कंप्लीटली आपको मिल जाएंगी. लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस तो बच्चों होती हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर आपको डाउट डिस्कशन के लिए एक स्कोप मिलता है, आपको एग्जाम देने के लिए मिलते हैं, वीकली और मंथली टेस्ट लेते हैं एजुकेटर्स आपके, और आपको मटेरियल देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक पूरा का पूरा जो एक फ्लो बना होता है प्रिपरेशन का वो वहां पे आके कंप्लीट होता है. ठीक है, आई होप लेकिन बच्चों आप अगर केवल यहीं पे पढ़ रहे हो हमसे अनअकैडमी जेई चैनल पर, देन एटलीस्ट यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं मानता हूं कि यहां पर अगर किसी बच्चे ने आईआईटी क्रैक करनी है तो उसमें आई थिंक थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंस तो टीचर का भी होता है. ठीक है, बट दैट इज नॉट ह्यूज. अगर मैं बोलूं कि कितना इंपॉर्टेंस होता है तो आउट ऑफ 100% आई थिंक 30% वेटेज आप दे सकते हो टीचर का, कि आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल गए हैं इसलिए आपका आप सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है, क्योंकि आपको थ्योरेटिकली सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं. लेकिन बाकी 70% तो बच्चे की ही मेहनत होती है, क्योंकि आप ये सोचो कि ये जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ये तो सारे ही बच्चों को इक्वली मिल रहा है. ठीक है, लेकिन अब उसके ऊपर जो 70% मेहनत है, जो बच्चा जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना 100% के पास पहुंचेगा और उतना ही उसकी यहाँ पर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, ऑल राइट, तो इफ़ यू वॉन्ट टू पुश दैट परसेंटेज डेफिनेटली टीचर से और ज़्यादा अगर आप मेहनत कराना चाह रहे हो देन प्लस इज समथिंग विच यू कैन गो फॉर. यहाँ पर मुझे लगता है कि 50% तक टीचर हेल्प कर सकता है आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलरली वो कॉन्टैक्ट में आकर आपको कुछ मटेरियल दे रहा है सॉल्व करने के लिए, आपके टेस्ट ले रहा है, डाउट्स आपके डिस्कस कर रहा है, तो आपके पास फिर थोड़ा कुछ कम एक एक्स्ट्रा वेटेज बचता है आपके लिए जो आपको सेल्फ स्टडी करके मेहनत करनी होती है. ठीक है, ऑल राइट,
सो लेट अस बिगिन. और यहाँ पर बच्चों आपको अगर ये सारी फैसिलिटीज अज्यूम अप्लाई करनी है तो कुछ नहीं करना है, केवल एक सब्सक्रिप्शन सिंगल ले लेना है. उसके लिए भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन ऐसा ले लो कि आपका फिर एग्जाम तक का पूरा जो टाइम है वो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाए. ठीक है, अगर आपको 2020 में एग्जाम देनी है देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, और अगर 2021 में लेनी है तो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लेके रख दो, ताकि आपको यहाँ पर रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना है, ऐसा आपका फिक्स हो जाएगा. और अगर एक डिसिप्लिन आ जाएगा तो डेफिनेटली यू विल स्कोर हायर देन वॉट इनडिसिप्लिन माइट रिड्यूस योर मार्क्स. ठीक है, तो इनडिसिप्लिन ना आए उसके लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होता है. तो यहाँ पर जेई लाइव कोड और बच्चों आपको यूज करना चाहिए, है ना. ये कोड क्या करता है, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट दे देगा, ताकि अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि यहाँ पर यार थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है तो और थोड़ा कम हो जाएगा उस बच्चे के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों ऑलरेडी प्राइस वैसे तो कम ही है, बट स्टिल जेई लाइव कोड इज देयर फॉर यू गाइज, है ना. ये क्या है, ये हमारी टीम का कोड है. जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमसे उनको पता होना चाहिए कि अच्छा ये कोड हमारा होता है जिससे हमें 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाता है कम से कम. ठीक है, ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा. लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं. हर क्लास में बच्चों में कुछ ना कुछ आपको दे रहा हूँ काम करने के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि आप उसको रिस्पॉन्ड भी करते हो, है ना. तो इसका होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं. हालांकि आज के क्वेश्चन जो है हमारे पास सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे, बट आई थिंक यू गेट आइडिया कि यहां पर हर क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके नीचे मैं लिख सकता था कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन आर इज ए ऑप्शन में सिमेट्रिक, बी ऑप्शन में ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन में नन ऑफ कुछ इक्विवेलेंस, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बना के आपको पूछ सकता था, तो आपको करेक्ट वाला टिक करना पड़ता. ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट. तो यहां पर आपके पास रिलेशन जो दिया है वो बहुत ही आसान वाला रिलेशन था. यहां पर इसके अंदर इस रिलेशन में ए कॉमा बी एलिमेंट्स होंगे, इस रिलेशन में a कॉमा बी एलिमेंट्स होंगे अगर वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे तो, कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, अब यहां पर बच्चों आपको कभी भी किसी चीज को अगर इक्विवेलेंस है ऐसा प्रूव करना होगा तो आपने हमेशा क्या अप्रोच यूज करना चाहिए, वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए. ठीक है, यहां पर हम एग्जाम्पल लेके किसी चीज को ट्रू प्रूव नहीं कर सकते. अगर आपको यहां पे किसी चीज को ट्रू प्रूव करना है देन इन दैट केस आपको वेरिएबल के थ्रू करना होगा. लेकिन अगर किसी चीज को फॉल्स प्रूव करना है देन इन दैट केस आप डेफिनेटली क्या ले सकते हो, कुछ एक भी एग्जांपल ले लोगे जिसमें गड़बड़ हो रहा है तो वो फॉल्स प्रूव हो जाता है. ठीक है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्रूविंग थिंग्स फॉल्स, है ना, कि हम वहां पे एक सिंगल एग्जांपल से चीजों को फॉल्स प्रूव कर सकते हैं. लेकिन आपको अगर ये प्रूव करना है कि वो है तो हमें इसको वेरिएबल के टर्म्स में कैसे ले जाना पड़ता है, देखो यहां पे कि मैं सबसे पहले सोचता हूं कि इक्विवेलेंस मतलब क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव का डिस्कशन करना पड़ता है. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अगर मैं ये बता दूं कि इसके अंदर a कॉमा a एलिमेंट होता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा a कॉमा a. लेकिन a कॉमा a का मतलब क्या होगा, बाय डेफिनेशन a माइनस a शुड बी डिविजिबल बाय 5, a माइनस a इज डिविजिबल बाय 5. अगर आप ये प्रूव करते हो कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, अगर आप ये प्रूव करते हो कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है तो a कॉमा a हमेशा इस रिलेशन का पार्ट होगा, और क्योंकि हमेशा रिलेशन का पार्ट होगा एक कॉमा है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन पक्के से हो जाएगा. तो क्या ये ट्रू लिखा है मैंने, यस ऑब्वियसली, ए का कोई भी वैल्यू सोचो, ए माइनस ए करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो तो सभी से डिविजिबल है तो फाइव से भी डिविजिबल है. तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये ट्रू है, इसलिए इसके अंदर एक कॉमा हमेशा होगा और इसलिए रिफ्लेक्सिव भी होगा. ठीक है, ऑलराइट, इसी तरह से दूसरा सोचते हैं यहां पर. अगर मैं यहां पर सिमेट्री सोचने जाता हूं, अगर मैं देखने जाता हूं कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं, तो फिर से मैं क्या सोचूंगा कि अगर इसके अंदर a कॉमा b है देन क्या इसके अंदर b कॉमा a भी है, ऐसा हम सवाल पूछते हैं. ठीक है, इसके अंदर a कॉमा b है देन क्या इसके अंदर b कॉमा a भी है, तो देखते हैं एक बार. अगर इसके अंदर मैं बोल रहा हूं a कॉमा b है, मतलब क्या है इसका, इसका ये मतलब है कि आपके पास ऐसा कुछ है, इसका मतलब यह है कि आपके पास a माइनस बी करके वाकई डिविजिबिलिटी बाय 5 करते हैं तो ट्रू टेस्ट हो रहा है. इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना. अगर ये 5 का मल्टीपल होगा, n इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है, या n इज सम इंटीजर ऐसा मान लो, तो यहां पर a माइनस बी अगर 5 का मल्टीपल होगा देन इन दैट केस a माइनस बी को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो इस स्टेटमेंट में इफ अगर ट्रू है तो ये तो है ही आपके पास में. लेकिन अगर मैं b माइनस a का स्टेटमेंट जनरेट करने जाऊं तो b माइनस a क्या बनेगा, तो यहां पे b माइनस ए बनेगा आपके पास b माइनस ए, ठीक है, b कॉमा a बनेगा b माइनस ए. और इस केस में आप इस स्टेटमेंट का यूज करके बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि ये कुछ नहीं होगा, अगर ये ट्रू है तो ये माइनस फाइव एन होगा. अगर ये माइनस फाइव एन हो गया तो क्या अभी आपको 5 से डिविजिबल होते हुए दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू होगा. इसका मतलब इसके अंदर अगर कोई एक एलिमेंट है, लेट अस से आपके पास 1.6, तो 6.1 भी होगा,
अगर 1.6 है तो 6.1 भी होगा, ठीक है, तो यहां पर सिमेट्री हमेशा आएगी। लेकिन अगर इसके अंदर 1.7 नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पहले वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, तो 7.1 के लिए चेक करने को कोई बात ही नहीं बनती। तो सिमेट्री हम कब चेक करते हैं, जब इनिशियल कंडीशन ट्रू होती है उन्हीं एलिमेंट्स के लिए चेक करते हैं, ठीक है। और वैसे लास्ट क्या होता है बच्चों हमारे पास में, ट्रांसिटिव। तो अगर आपको ट्रांसिटिव नेचर चेक करना है थर्ड, अगर आपको ट्रांसिटिव नेचर चेक करना है तो आपको क्या ढूंढना होता है कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ है कि ए और बी इसके अंदर लाए करते हैं और इसके अंदर बी और सी भी लाए करते हैं, तो क्या इसके अंदर ए कॉमा सी भी लाए करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछना है आपसे, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ए कॉमा बी लाए करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपके पास ए माइनस बी जो है वो फाई से डिविजिबल है, इसका मतलब ए माइनस बी क्या होना चाहिए, फाई का मल्टीपल होना चाहिए। और वैसे ही अगर इसके अंदर बी कॉमा सी लाया करता है, मतलब बी माइनस सी भी फाइव का मल्टीपल होना चाहिए, तो लेट अस इसको फाइव एम कर लेते हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या ए माइनस सी भी गारंटी है कि क्या ए माइनस सी भी फाइव का मल्टीपल होगा क्या, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जो ऑलरेडी ट्रू है कंडीशन से, क्यों वो अगर ऑलरेडी ट्रू है तो उनकी मदद से अगर मैं 1+2 करता हूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 1+2 करता हूं तो आपके पास देखो क्या बन रहा है, यहां पे LHS में बनेगा a माइनस सी और RHS में हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो क्या यहां पर आप ये बोल सकते हो देख के इस चीज को कि a माइनस सी अगर फाई का मल्टीपल है तो a माइनस सी भी फाई से डिविजिबल होगा, अगर a माइनस सी भी फाई से डिविजिबल होगा देन इन दैट केस a कॉमा सी भी इस रिलेशन का पार्ट होगा। और अगर ये हमने इन जनरल किसी भी एबीसी के लिए प्रूव कर दिया तो आप कोई से भी नंबर ले लो वो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। सो दिस एक्चुअली गारंटीज कि आपका रिलेशन ट्रांसिटिव भी है। और अगर कोई एक रिलेशन आपने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, देन इन दैट केस उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। और वैसे देखो यहां पर एक और क्वेश्चन दिया था बच्चों मैंने होमवर्क में, शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज एस इज इक्वल टू दिस इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। तो जैसे ही बच्चों आपको यहां पर गलत प्रूव करने का क्वेश्चन आया, ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के दिए थे मैंने, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है तो सबसे पहले आपने क्या सोचना चाहिए कि इसके अंदर a कॉमा a हर बार लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेक करना होता है a कॉमा a हर बार लाई करता है कि नहीं करता है। तो a कॉमा a अगर आपने किसी भी एक छोटे से एग्जांपल से प्रूव करके बता दिया कि नहीं हर बार नहीं लाई करेगा, तो फिर ये सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं सोच सकता हूं कि इसके अंदर a कॉमा a कब होगा, जब a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब होगा, है ना। इसके अंदर a कॉमा a होगा इफ a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब होगा। तो क्या आप जो भी नंबर सोच रहे हो उसमें ये ट्रू आ रहा है क्या, आप यहां पर 1 सोचो तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 सही स्टेटमेंट है, 2 सोचो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 8 ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सही वाला नहीं सोचना है, आपको ऐसा एग्जांपल सोचना है जो इसको गलत प्रूव करे। तो गलत कैसे हो सकता है सोच के बताओ, यहां पे गलत कैसे हो सकता है, अगर मैं कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी ले लूंगा तो गलत हो सकता है। तो यहां पर एग्जांपल ऐसा ले लो कि अगर मेरे पास a का वैल्यू हाफ है तो क्या हाफ इज लेस देन और इक्वल टू 1/8, क्या हाफ इज लेस देन और इक्वल टू 1/8 नहीं, ठीक है। तो हाफ वाला जो एग्जांपल है वो इस रिलेशन को डिनाई करता है, इसका मतलब हाफ कॉमा हाफ इसमें लाई नहीं करेगा। अगर हाफ कॉमा हाफ इसमें लाई नहीं करेगा तो एक एलिमेंट मुझे मिल गया जो इसके अंदर लाई नहीं करेगा, तो दैट एक्चुअली इज सफिशियंट टू टेल कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हम ऐसा कुछ करके देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर a कॉमा b है तो क्या हर बार b कॉमा a भी होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इसके अंदर a कॉमा b है तो ऐसा कुछ एग्जांपल सोच के बताओ कि इसके अंदर a कॉमा b तो सेटिस्फाई करता है लेकिन b कॉमा a सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इस केस में भी, आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर 1.2 ले लो, ठीक है। क्या इसके अंदर 1.2 लाई करता है, चेक कर लेते हैं 1.2 कब लाई करेगा, जब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब होगा। तो क्या होता है ऐसा, यस इसका बिल्कुल सही मतलब है क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, इसका मतलब 1.2 इस रिलेशन में लाई करेगा। लेकिन क्या इसके अंदर 2.1 लाई करेगा, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब विच इज रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमने सिमेट्री ब्रेक कर दी, इसके अंदर 1.2 है लेकिन 2.1 नहीं है, मतलब ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। और इसी तरीके से एक बार ट्रांसिटिव के लिए एग्जांपल सोच के आप इसको डिनाई कर सकते हो, एंड दैट विल कंप्लीट आवर डिस्कशन हियर। तो यहां पर ट्रांसिटिव में बच्चों आपको क्या लेना पड़ेंगे, दो पेयर्स उठाने पड़ेंगे जो दोनों ट्रू हैं, दो पेयर्स उठाने पड़ेंगे जो दोनों ट्रू है, ठीक है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो थर्ड पेयर है उसको आपको प्रूव करना है कि वो गलत है,
ठीक है। तो क्या सोचोगे बच्चों, यहां पर आप ऐसे कुछ सोच सकते हो कि लेट अस से आपके पास इनिशियली ए कॉमा बी क्या है और आपके पास बी कॉमा सी क्या है, ताकि ए कॉमा सी आप जनरेट करके चेक कर पाओ। ठीक है, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इसके अंदर होगा अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ तो है ये। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ चेक कर लेते हैं, ए कॉमा बी चाहिए ना आपको। ठीक है, तो ए कॉमा बी लेट अस से मैं चेक करता हूं इसके अंदर, बी कॉमा सी लिख के देखूं क्या पहले। फाइव कॉमा टू, इसके अंदर 5.2 लाई करेगा क्या, इसके अंदर 5.2 लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस, इसके अंदर 5.2 बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो फिर b का क्यूब करके 8 आएगा, और क्या वो a से छोटा है, सॉरी क्या वो a से बड़ा है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर बिकॉज 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8, इसलिए 5.2 इसके अंदर लाई करना चाहिए। और वैसे एक बार 5 का यूज करके यहां पर बना रहा हूं मैं 100.5। ठीक है, तो अगर मैं 100.5 बनाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या 100 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का क्यूब? हाँ, 100 इज लेस देन 125, 100 इन लेस देन 125, इसका मतलब ये वाला भी पेयर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा रिलेशन के अंदर, ए कॉमा बी एग्जिस्ट करेगा और बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट करेगा। तो इनके पेयर से अब क्या बन रहा है, इन दोनों को अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास बन रहा है 100.2। लेकिन क्या 100.2 इसके अंदर लाइक करेगा, क्या 100 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब? क्या 100 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब? नहीं। इसका मतलब ये दोनों तो अपने आप में सही थे, लेकिन उनके मदद से जो बनाया वो गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। एक भी एग्जांपल बच्चों आपने अगर गलत प्रूव कर दिया, देन इट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि ये एंटायर रिलेशन गड़बड़ है। ठीक है, सो दिस वॉज अवर होमवर्क डिस्कशन, एंड नाउ आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद आवर टुडेज टॉपिक विच इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बच्चों आपने थोड़ा कुछ तो है जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, हो सकता है यहां पर आपने स्कूल वगैरह में भी इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपने बोर्ड्स लेवल पे जितना पढ़ा है उससे सिंपल कंटेंट है आपका जेई लेवल का। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको कभी भी बड़े बड़े टेबल बना के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि यहां पर क्वेश्चंस किस टाइप के फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो हम हर इलस्ट्रेशन में ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियस ईयर में आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि हर साल आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, सो वी विल डेफिनेटली डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, वैसे देखा जाए तो हम आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन एज ए होल ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। स्टैटिस्टिक्स इज एंटायरली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और यहां पर करना क्या होता है मैथमेटिक्स में, जो ये पर्टिकुलर ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा डेटा से रिलेटेड है। ठीक है, और आज की डेट में डेटा कितना इंपॉर्टेंट पता है सबको? ठीक है, डेटा एक्चुअली बिकता है। ठीक है, और हर टाइप का डेटा बिकता है। ठीक है, आपकी एज क्या है, आप किस जेंडर के हो, आप कहाँ रहते हो, ठीक है ना, तो यहां पर ये जो सारा डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, कौन कौन कलेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो कलेक्ट करते हैं, गूगल कलेक्ट करता है, ठीक है, और फेसबुक कलेक्ट करता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए बहुत सारे अदर वेबसाइट्स भी हैं जो कलेक्ट करता है, ऊबर है, जोमेटो है, हर कोई आपसे प्रोफाइल बिल्ड करवाता है। ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड करवाने का उसका रीज़न क्या होता है, ताकि वो आपको यहाँ पर कैटेगराइज कर पाए। ठीक है, कि आप अगर एक 30-year-old वर्किंग मेल हो तो आप कितने बजे ऊबर लेते हो जाने के लिए, और कितने बजे ऊबर लेते हो वापस आने के लिए। ठीक है, सो दे कैन एक्चुअली बिल्ड अप ऑन दैट एंड प्रोवाइड सर्विसेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहां पर आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर कोई डिसीजन लेना चाह रही होती है, तो वो हमेशा डेटा बेस्ड डिसीजन होता है। ठीक है, तो डेटा को पहले कलेक्ट करना जरूरी होता है, कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद में उससे इंटरप्रिटेशन निकाल के आगे डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें इन्वॉल्व अगर कर लोगे, सो दैट विल एक्चुअली फॉर्म स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और यहां पर आप हर जगह चले जाओ, स्टैटिस्टिक्स का बच्चों आपको यूज होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या लिखा है देख लें एक बार। डेटा कलेक्शन, पहले तो कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने बोला ही नहीं कि प्रोफाइल फिल करके दो हमें, है ना, तो यहां पर कलेक्ट ही नहीं किया आपने, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पहले कलेक्ट करो। लेकिन केवल कलेक्ट करने से आपके पास रॉ डेटा आएगा, उसको तब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे और एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप उसके अंदर से कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं निकाल पाओगे, और अगर इंटरप्रिटेशंस नहीं निकाल पाओगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज दैट इंपॉर्टेंट, और आपको मजा आएगा ये देख के कि आप एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हो। ठीक है, एटलीस्ट जिन लोगों को क्रिकेट पता है, या फिर जिन लोगों को कोई भी स्पोर्ट्स पता है, दे वुड नो कि यहां पर हर दिन डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हर बॉल का डेटा कलेक्ट होता है,
ठीक है, हर बॉल कितनी स्पीड से डली, ठीक है, कहाँ डली, हर एक डेटा का यहाँ पर कलेक्शन होता है और हर एक डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप विराट कोहली का स्टैटिस्टिक्स देखोगे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, विराट कोहली का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, बैटिंग करियर समरी है ये, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका हर एक चीज़ है इसके अंदर, ठीक है, इसने अभी तक, है ना, आज की डेट में जब एयर हो रहा है तो अभी तक इसने कितने टेस्ट मैचेस खेल लिए, कितने ओडीआई खेल लिए, कितने T20 खेल लिए, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का पूरा डेटा कलेक्ट हो रहा है। मतलब अगर विराट कोहली एक और मैच खेलता है तो ये टेबल अपडेट होगा, ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करोगे और इस चीज़ को अपडेट करोगे और बहुत सारी वैल्यूज चेंज होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर ऑर्गेनाइज नहीं है डेटा, देन इन दैट केस तो उसका कुछ यूज ही नहीं है, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और फिर आगे इंटरप्रिटेशंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको विराट कोहली ने अभी तक देखो क्या किया है, विराट कोहली ने अभी तक यहाँ पे 236 ODIs खेल लिए, 236 ODIs खेल लिए इसने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको 236 डेटा पॉइंट्स दे दूँ कि पहले मैच में इसने इतने रन बनाए, दूसरे मैच में इतने रन बनाए, तीसरे मैच में इतने रन बनाए, ठीक है, तो आपको कुछ भी समझ में आएगा क्या उससे? आपको उससे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या बोलता हूँ कि इसने एक्चुअली जो 236 मैचेस खेले हैं उसमें इतने सारे रन बना लिए इसने, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, अब कुछ अच्छे से समझ में आ रही है हमें बात। क्योंकि आप क्या करोगे फिर जाके आप उसको रोहित शर्मा के स्टैटिस्टिक्स के साथ में कंपेयर कर पाओगे, ठीक है, कि उसने कितने मैचेस खेले हैं और फिर उसने कितने रन बनाए, ठीक है। क्योंकि रॉ डेटा अगर आपके पास में है तो यहां से कुछ इंटरप्रिटेशन खास निकलता नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे भी बेटर क्या है, अगर आपको वाकई विराट कोहली और रोहित शर्मा को कंपेयर करना है तो आप एक्चुअली कौन सा डेटा देखोगे, आप यहां पर देखोगे उनका एवरेज, ठीक है, कि उन्हें ऑन एन एवरेज ODI में किस रेट से रन बनाए हैं, ठीक है, थीके? तो दिस एवरेज इज 59.4, दिस इज सो हाई। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब विराट कोहली कभी भी बैटिंग के लिए आता है तो आप उससे 60 रन बनाने की उम्मीद रख सकते हो, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो 60 रन तो बना के जाएगा ही, ठीक है, सो दैट इज ह्यूज। मतलब हर मैच में हाफ सेंचुरी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये जब हमें इंटरप्रिटेशन पता चला, ये कब पता चला, जब हमने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया और हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू कैलकुलेट करी एवरेज, ठीक है। तो ये जो एवरेज होता है ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप एक्चुअली अपने मार्क्स के लिए भी करते हो। आपने अगर 10 टेस्ट दिए हैं और 10 टेस्ट में आपके अगर अलग अलग मार्क्स आए हैं तो आप किस में इंटरेस्टेड रहते हो कि ऑन एन एवरेज मेरा कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सो एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इन क्रिकेट और नॉट जस्ट फॉर कंपनीज और इंडस्ट्रीज, यहां पर हमारे लिए भी एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और ये जो हम कैटेगराइज करते हैं इसको बोलते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हमारे पास जो है तीन है बेसिक, ठीक है, एवरेज है मतलब मीन, उसके बाद में मीडियन है और मोड है, ठीक है। इनके डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, इनके ऊपर आपको एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, तो उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे कहानी बढ़ा के हम ले जाएंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे, ठीक है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो दो चीजें करनी बच्चों हमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, एक तो करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज विच इज मीन मीडियन एंड मोड, जो आपने शायद 10th तक किया हुआ था, और उसके बाद में आपको करना है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो हमें अभी थोड़ा सा हो सकता है नया लगे कुछ बच्चों को, ठीक है, लेकिन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आई वाज एबल टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट फील्ड है, अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो इसके अंदर भी एक बहुत बढ़िया करियर बन सकता है, ठीक है। ऑलराइट, बट आई थिंक यू शुड लाइक नंबर्स फॉर दैट, क्योंकि आपको हर जगह फिर नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली होता क्या है, आपके पास जैसे बहुत सारा डेटा था, विराट कोहली ने बहुत सारे मैचेस खेले थे, आपको एकदम से समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मैंने एक नंबर बता दिया एवरेज कितना बनाया उसने ऑन एन एवरेज ODI में, तो आपको बातें समझ में आ रही, ठीक है। मतलब हम करते क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पूरे डेटा के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर क्या क्या हो सकता है, एक तो वो हो सकता है मीन, ठीक है, मीन मतलब कुछ नहीं है, जो हमारा एवरेज होता है उसी को हम मीन बोलते हैं, ठीक है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका हमें पहले से आता है, सबको ऐड करके हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने अरिथमेटिक मीन में भी डिस्कस किया था इन सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। तो फॉर्मुला कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिग्मा देख के डरना नहीं है, सिग्मा तो अब हमने सीक्वेंस सीरीज में बहुत बार यूज भी कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास में मीन निकालने का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, और यहां पर डेटा कैसा हो सकता है बच्चों, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, अनग्रुप्ड डेटा, मतलब आपको यहां पर 230 मैचेस के विराट कोहली के रन्स दे दिए मैंने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन सभी रन्स को ऐड करोगे और नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करोगे, ठीक है। हालांकि क्रिकेट में एवरेज निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसके अंदर जो नॉट आउट वाले होते हैं उनको हम नीचे डिवाइड में काउंट नहीं करते, तो थोड़ा उससे कंफ्यूज मत होना, लेकिन आप इसको ऐसा सोच के देखो, विराट कोहली वाला एग्जांपल ड्रॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें एग्जाम वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 10 एग्जाम्स दिए हैं,
हमें 10 एग्जाम्स के मार्क्स पता है, मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और करना क्या होता है, सबको ऐड करके नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एवरेज का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन ये सोचो कि अगर आपको, अगर आप यहां पर जो हो लेट अस से क्लास टीचर हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप क्लास टीचर हो, तो क्लास टीचर के पास में ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं और हर बच्चे के 10-10 टेस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे होंगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, कि यहां पर 100 में से 100 लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट है जिसमें बच्चे 100 में से 16 हैं, बहुत सारे टेस्ट है जिसमें बच्चे 100 में से 75 लाए हैं, ठीक है। तो उन सभी को अगर आपको क्लब करना है, तो आपको यहां पर लेटे से 10 बच्चे 100 लाए हैं, ठीक है, तो 100 100 100 100 ऐसा 100 बार ऐड करना पड़ेगा। फिर यहां पर आपके 20 बच्चे जो हैं वो 75 लाए हैं उन टेस्ट को मिला के, ठीक है, 75 75 75 ऐसा आपको 20 बार ऐड करना पड़ेगा। तो इंस्टेड हम क्या बोलते हैं कि आप इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ले आओ, मतलब डेटा को थोड़ा सा ग्रुप कर लो, डेटा को थोड़ा सा ग्रुप कर लो, ठीक है। और ये देखो कि आपके पास वो जो क्वांटिटी है वो कितने बार रिपीट हो रही है, वो जितने बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। वो कितने बार रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 100 नंबर अगर मेरे पास 10 बार आए हैं, तो मैं 100 100 100 मैं 10 बार ऐड करूंगा, उससे अच्छा क्या है 10 × 100 लिख लेता हूं ना, यहां पर एटलीस्ट मुझे रिप्रेजेंट करने में फायदा हो जाएगा 10 × 100, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मुला फॉर फाइंडिंग एवरेज, ठीक है, विच इज मीन, ठीक है। क्या है फॉर्मुला, FIXI का सिग्मा अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI क्यों है नीचे, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने यहां पर क्या डेटा यूज किया है कि 10 बार ऐसा हुआ, 10 बार 100 नंबर आए, तो यहां पर नीचे 10 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन तो 10 से बढ़ चुके, ठीक है। तो नीचे कितना आता है, सिग्मा FI। सो दिस इज अनदर फॉर्मुला विच यू कैन यूज टू फाइंड एवरेज, ठीक है। हालांकि हमारे पास जो क्वेश्चंस बच्चों आ रहे हैं, जो मेरा बेसिक रीडिंग है, उसमें मुझे लग रहा है कि ये जो पिछला वाला फॉर्मूला है यही ज्यादा करके यूज करने वाला है आप, ठीक है, एटलीस्ट मेंस के अंदर। बोर्ड्स के अंदर तो बच्चों आपको बड़े बड़े टेबल बना के बनाना ही पड़ेगा ये, ठीक है, उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहां पर जो आपके पास जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, दोज आर यूजुअली बेस्ड ऑन दिस सिंपल फॉर्मूला, है ना, आप समझ पा रहे हो। यहां पर आपको 2-3 मिनट के अंदर आंसर मार्क करना होता है, वो टारगेट है, ठीक है। सो दे कैन नॉट एक्चुअली आस्क यू टू मेक अ टेबल जो यहां पर 10 मिनट खाता है, ठीक है, लेकिन बोर्ड्स वाले उसी को 6 नंबर में देके आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो वहां आपको एक्चुअली मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर मीन का वैल्यू तो बच्चों आपको निकालते आता ही है। लेट अस ट्राई टू डू अ क्वेश्चन, ताकि यहां पर हमें समझ में आए कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। तो 2015 में बच्चों एक क्वेश्चन आया था जो प्योरली मीन पर बेस्ड था। तो सोच पा रहे हो, मीन आगे आपने स्टैटिस्टिक्स अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन तब भी अगर कोई बच्चे वहां पे लकी थे तो उनको डायरेक्टली मीन का क्वेश्चन मिल गया था, ठीक है। सो लेट अस सी कि अगले साल आप लकी होते हो क्या, ठीक है, क्या बोला है। लेकिन 2015 में ये द मीन ऑफ द डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16 ऑब्जर्वेशन है, उनका आपने क्या निकाला, मीन निकाला, मीन ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, ऐसा करते करते x16 तक गए और उनको आपने 16 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 16 आ रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16, ठीक है, इस डेटा का मैंने यूज कर लिया। और आगे क्या दिया है उसने, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, एक इसके अंदर से कोई तो वैल्यू है जिसका वैल्यू एक्चुअली 16 था, तो लेट अस से मान लेते हैं लास्ट वाला जो था ये 16 था एक्चुअली, उसको यहां से हटा दिया हमने, यह ऑब्जर्वेशन हटा दिया, और क्या किया 3 नए ऑब्जर्वेशन ले आए, तो टोटल 1 हटा दिया और 3 ले आए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास ऑब्जर्वेशन, अभी 18 ऑब्जर्वेशन हो गए, क्योंकि पहले 1 कम किया तो 15 हो गए, उसमें 3 ऐड किया तो 18 हो गए, ठीक है। और यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि अब आपने अगर ये ऐड किया उसके अंदर द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डेटा कितना होगा, ऐसा सिंपल सा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर हमें पता है कि ये जो लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन हम हटाने वाले हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 16 है, उसकी वैल्यू 16 है, ऐसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जिसको हटाया गया है, ठीक है। तो यहां पर अब मेरे पास क्या डेटा बचता है, x1 x2 से लेके x15 तक का डेटा बचता है, उसके आगे यहां पे 16 भी था और इसका जो एवरेज निकल के आ रहा था वो 16 निकल के आ रहा था। तो यहां पे मैं बहुत ही आसानी से क्या बता सकता हूं, ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू टोटल निकाल के बता सकता हूं, ठीक है। x1 से लेके x15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 ऐसा करते करते x15 तक का जो वैल्यू है आपका वो हो जाएगा 16 × 16 माइनस 16, पहले उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसको भी उस साइड ले गए, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए होता है मुझे, मुझे ये चाहिए कि अगर इसके अंदर मैंने 3 और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिए, अगर मैंने इसके अंदर 3 और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिए तो क्या होगा, ओहो और थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं यहां पे, फिर 3 और ऑब्जर्वेशन अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, पहली बात तो मेरे पास 18 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, तो मुझे 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिनेरियो जो दिखना चाहिए आपको ऐसा दिखना चाहिए,
आपको दिखेगा यहाँ पे x1 प्लस x2 से लेके x15 तक प्लस तीन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे दी है उसने 3, 4 एंड 5. ठीक है, अब ये आपका पूरा का पूरा डेटा है, लेकिन ये कितने वैल्यूज हैं, ये 18 वैल्यूज हैं, तो हमने 18 से डिवाइड कर दिया. बस ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका एवरेज का आंसर है, एक्स बार का ये आंसर है. लेकिन अब यहां पर आपको करना क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है. यहां पर आप देखो कि 16 × 16 − 16 अगर उस ब्रैकेट की जगह डाल दिया तो आप कैसे कॉन्स्टेंट क्वांटिटी निकल के आएगी, जो आपका मेन क्वेश्चन बन गया है. तो 16 × 16 − 16 और ये क्वांटिटीज कितनी हो रही टोटल प्लस, ये अगर करोगे तो यहां पर हो जाएगा 8 और 12 हो जाएगा. ठीक है, डिविजन में आ जाएगा 18. तो जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास फाइनल आंसर निकल के आएगा. ठीक है, आई थिंक ये अच्छा सा आंसर निकल के आता है, 14 आता है शायद, एक बार चेक कर लेना. ठीक है, 16 × 16 − 16 + 12 मतलब कितना हो गया, 16 × 16 − 4 / 18. ठीक है, दिस इज वॉट यू नीड टू कैलकुलेट टू गेट टू योर फाइनल आंसर ABCD. ठीक है, तो इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज यूज नहीं हो रहा. बस मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वाला, मीन का सिंपल वाला फॉर्मूला ये होता है, इतना से बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट गिव्स यू योर फाइनल आंसर. ऑलराइट, चलो, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब मैं समझा पा रहा हूँ इस बात का इंपॉर्टेंस कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज और बेसिक आइडिया भी अगर स्टैटिस्टिक्स का क्लियर है तो आप यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल सकते हो मेंस वाले. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट आता है ग्रुप्ड मीन. अब ग्रुप्ड मीन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ग्रुप्ड मीन में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर दो अलग अलग क्लासेस है ऐसा मान के चलो. ठीक है, आपकी क्लास 11th में दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी. ठीक है, और आप यहाँ पे लेट अस से प्रिंसिपल हो. ठीक है, आप प्रिंसिपल हो, आपको दोनों क्लासेस से अलग अलग मतलब नहीं है, आपको क्लास 11th से ही मतलब है बस. ठीक है, तो सोचो सिनेरियो कैसे बनेगा इसके अंदर, आप एक दो अलग अलग, तो पहले यहाँ पे क्लास टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स ने यहाँ पे मेहनत करके रखी है. ठीक है, सेक्शन ए के क्लास टीचर ने मेहनत की तो उसको पता चला कि यहाँ पर मेरे पास बच्चे कितने हैं, N1 बच्चे हैं, और मैंने उनके मार्क्स जितने आए थे टेस्ट में उनका एवरेज निकाल के देख लिया कि मेरा क्लास परफॉर्म कैसा कर रहा है. तो यहाँ पर एवरेज जो निकल के आया दैट इज X1 बार, एवरेज जो निकल के आया दैट इज X1 बार. ठीक है, और वैसे ही आपने जो क्लास बी का क्लास टीचर है उसने मेहनत करके रखी है, उसने देखा कि मेरे क्लास में N2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और फिर मैंने जो एवरेज निकाला उसकी वैल्यू निकल के आती है X2 बार. ठीक है, ये कैलकुलेशंस तो इंडिविजुअल क्लास टीचर्स कर रहे थे. अब लेकिन प्रिंसिपल क्या सोचेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है कि अलग अलग कैसा परफॉर्म किया, मुझे इससे मतलब है कि मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं 11th क्लास में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि यहां पे फिर से मैं कंबाइंड मीन निकाल के बताऊं, एक ग्रुप्ड मीन निकाल के बताऊं. ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ग्रुप्ड मीन निकालना है तो या तो आप फिर से क्या करोगे, प्रिंसिपल क्या बोलेगा, आपके क्लास के सारे मार्क्स मुझे दे दो और आपके क्लास के सारे मार्क्स मुझे दे दो, मैं सबको ऐड करूंगा और डिवाइड कर लूंगा N1 + N2 से. या तो वो तरीका हो सकता है, ठीक है, या फिर वो थोड़ा दिमाग लगाएगा कि ऑलरेडी अगर क्लास टीचर से मेहनत करके रखी है तो उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं. ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, यहां पर देखो ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलो कि आपके पास जो एवरेज निकल के आएगा उसके लिए कैलकुलेशन ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास X1 बार कैसे निकला होगा, है ना, टीचर ने एवरेज कैसे निकाला होगा, सारे बच्चों का उसने वैल्यूज को ऐड किया होगा, लेट अस से सिग्मा XI, और उसको N1 से डिवाइड किया होगा. ठीक है, ऑलराइट, इस तरीके से कुछ तो हुआ होगा. और उसके बाद में इस टीचर ने क्या किया होगा, इस टीचर ने भी X2 बार इसी तरह से निकाला होगा, इसने भी सारे वैल्यूज को ऐड किया होगा, लेट अस से YI नाम देते हैं उसको, और N2 से डिवाइड किया होगा. अब मुझे क्या चाहिए, ये सिग्मा एक्स आई और सिग्मा वाई आई को साथ में ऐड करके N1 + N2 से डिवाइड करना है. तो सिग्मा एक्स आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 × X1 बार, और N2 × X2 बार हो जाएगा सिग्मा वाई आई का वैल्यू. तो अगर मुझे कॉमन मीन बताना है एक्स बार, तो वैल्यू कैसे बन सकती है, वो बन सकती है आपकी N1 × X1 बार + N2 × X2 बार / N1 + N2. क्लियर हो रहे, सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसी चीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो. बेसिकली ये जो जनरल फॉर्मूला है ये क्या बोल रहा है कि आगे के ऑब्जर्वेशंस भी अगर आपके पास में है तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो. अभी हमने जो यहां पे डिस्कस किया दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशंस, ऐसा मान के चलो N1 × X1 बार + N2 × X2 बार / N1 + N2. ठीक है, अब ये भी ऐसे तो सिंपल है लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन आया था 2007 में. ठीक है, 2007 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन क्लास इज 52. अच्छा, यहाँ पर इसने एक ही क्लास के दो पोर्शंस कर दिए, अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस सोचने की जगह एक ही क्लास के दो पोर्शंस कर लो. इसके अंदर बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं. ठीक है, अच्छा, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन क्लास इज 52. यहाँ पर बॉयज का एवरेज कैसे निकला होगा, लेट अस से इसको मैं X1 नाम देता हूँ. बॉयज का जो एवरेज निकला है वो कैसे निकला है, सारे बॉयज BI से डिनोट कर देता हूँ उस चीज को, सारे बॉयज के मार्क्स को हमने ऐड किया और जितने भी बॉयज थे लेट अस से N1 बॉयज थे उनके वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है X1 बार की.
एक्स वन बार की वैल्यू लेकिन दी हुई है उसने कितनी है 52 है, और ऐसे ही क्या दिया हुआ है इसने, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 42. गर्ल्स के साथ भी सेम काम किया, एक्स टू बार निकाला, वो कैसे किया, लेट अस से जी आई बोलते हैं इसको, तो एन टू से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो यहां पर इसका आंसर निकल के आता है 42, है ना. और उसके बाद क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50. एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज, ठीक है. तो यहां पर हमें अगर कंबाइंड इनका वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो कैसे निकलेगा बच्चों, यहां पर मैं कंबाइंड एवरेज अगर निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n1 x1 ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है. तो बेसिकली मुझे करना है सिग्मा, मुझे करना है बेसिकली यहां पे सिग्मा, ठीक है. तो सिग्मा का जो वैल्यू है या तो मैं वो उठाता हूं या फिर डायरेक्टली फॉर्मुला यूज कर लेता हूं, ठीक है. तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज n1 x1 bar, ठीक है. तो x1 bar का वैल्यू उठा लेंगे यहां से, ठीक है. ऑलराइट, तो यहां से कुछ हो जाएगा n1 x1 bar which is 52 plus n2 x2 bar which is 42 and divided by n1 plus n2, ठीक है. यही फॉर्मूला अभी हमने किया था, लेकिन इसका आंसर पता है मुझे, इसका आंसर कितना आता है, 50 आता है. तो एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बन गया आपके पास में, 50 इज इक्वल टू 52 टाइम्स ऑफ n1 प्लस 42 टाइम्स ऑफ n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. तो अगर यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और रेशो निकालोगे तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी, आई थिंक सो. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 50n1 प्लस 50n2 इज इक्वल टू 52n1 प्लस 42n2. तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि अगर n2 वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो मेरे पास 8n2 बचेगा, और ये n1 को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो मेरे पास 2n1 बचेगा, ठीक है. तो यहां पर n1 n2 का रेशो तो आ गया मेरे पास में, n1 n2 का रेशो आ गया मेरे पास में, n1 कितना हो गया, n2 upon n1 हो गया मेरे पास में 1/4, क्लियर है. n2 upon n1 हो गया मेरे पास में 1/4. तो यहां पर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास. तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज कैसे निकलना चाहिए, अगर मैं परसेंटेज ऑफ बॉयज चाह रहा हूं तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू 100, ठीक है. तो n1 upon n1 प्लस n2 बनाने का क्या तरीका है, ठीक है. यहां पर या तो आप ऐसा कर लो कि n1 की जगह n1 रहने दो और n2 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो यहां पर ये सेम काम कर लेता हूं मैं, n1 को n1 लिख देता हूं और n2 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस इक्वेशन से, वो कितना हो जाएगा n1 upon 4, ठीक है. इस चीज को कैलकुलेट करो, आपका आंसर निकल के आना चाहिए, आई थिंक दिस विल गिव यू 80%, ठीक है, विच इज योर डी ऑप्शन. तो यहां पर ग्रुप्ड मीन का डेटा यूज करके आपको आंसर निकालना था, विच अगेन इज वेरी इजी. तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, है ना. स्टैटिस्टिक्स में यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन जरूर आपको करनी पड़ सकती है अगर डेसिमल में चीजें जा रही हैं तो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं है ये. यू शुड जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट्स एंड द बेसिक फॉर्मुलेस, है ना. बहुत बड़े बड़े फॉर्मुलेस भी यहां पे आप इग्नोर कर सकते हो, जो बेसिक फॉर्मुलेस है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उतना ही सफिशिएंट है टू एक्चुअली गेट टू योर आंसर्स, ठीक है. तो बच्चों ये जो हमने डिस्कस किया, ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का पहला पार्ट था, विच इज मीन, ठीक है. वैसे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, दैट इज मीडियन. अब मीडियन बहुत ही आसान होता है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन खास करनी नहीं होती आपको. अगर आप ये देखते हो कि आपके पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, आपके पास रॉ डेटा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उन सभी को या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, ठीक है. पूरे डेटा को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और जो सबसे बीच वाली वैल्यू है वो आपका मीडियन का वैल्यू हो गया. जो आपका सबसे बीच वाला वैल्यू है वो आपका मीडियन का वैल्यू हो जाएगा, ऐसा आपको कैलकुलेशन करके बताना होता है, ठीक है. ऑलराइट, तो यहां पर सोच के देखो, अगर मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, अगर मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एक बार लेके देखते हैं एग्जांपल. तो मेरे पास 5 है, अगर मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5, ये मैंने अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए तो सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा, A3 आएगा. तो इसके अंदर तो कोई लोड नहीं आया मुझे, सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन बाय डेफिनेशन मिडिल वैल्यू, ठीक है. और मिडिल वैल्यू याद कैसे रखोगे, ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है. तो इसमें मिड पॉइंट ढूंढना है आपको पूरे डेटा का, लेकिन मिड पॉइंट जो ढूंढना है आपको उसके लिए पहले अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है. आपको अगर डेटा दिया हुआ है तो उसको पहले इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो और फिर ढूंढो. तो ऑड वाले केस में तो मिडिल वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है. अगर आपको यहां पर चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सा पोजिशन होगा तो भी निकाला जा सकता है. यहां पर आप देखते हो कि लास्ट वाला जो है एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5, ठीक है, क्योंकि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका मिडिल टर्म है. तो आप यहां पर अगर बनाना ही चाहते हो ऑड के लिए कोई फॉर्मूला, हालांकि देखना बहुत ही आसान है, तो आप यहां पर कर सकते हो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. सिंपल एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन वाला वैल्यू हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं 5+1/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन को वेटेज दूंगा। लेकिन अगर यही बात इवन के लिए चल रही है, अगर आप इवन के लिए डिस्कशन कर रहे हो, तो यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपने अगर 6 ऑब्जर्वेशंस लेके रखें, A1, A2, A3, A4, A5, A6, आपके पास अगर 6 ऑब्जर्वेशंस हैं और बीच में क्या लिखा है अगर आप वो देखने जाओगे तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि बीच में तो A3 और A4 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। देन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी नीड टू टेक एवरेज ऑफ A3 एंड A4, इन दिस केस वी टेक एवरेज ऑफ A3 एंड A4 एंड दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ मीडियन, दैट इज द लॉजिक, ठीक है। तो यहां पर फिर से आपको अगर कोई फॉर्मूला बनाना ही है, देन इन दैट केस आप कैसे बनाओगे? एक तो आपको डायरेक्टली दिख गया कि जो भी आपका एन का वैल्यू है, लास्ट वाली जो टर्म है, ठीक है, यहां पे 6 टर्म्स हैं, तो थर्ड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब बाय टू वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके एक आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो बाय टू एंड बाय टू प्लस वन, ये दोनों टर्म्स आपकी जो है उनका आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है, दैट विल गिव यू योर वैल्यू ऑफ मीडियन, ठीक है। तो यहां पर आपको यह करना पड़ेगा एन बाय टूथ एंड एन बाय टू प्लस वन एथ का एवरेज, का एवरेज, ये आपका जो होगा, ये आपका फाइनल क्या रहेगा, मीडियन का वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो थिंग्स आर वेरी इजी हियर यहां पर, लेकिन आगे जो मोड वाला है वो इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। मीडियन में तब भी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मोड में केवल ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। मोड में क्या बोलते हैं हम कि अगर आपके पास में सारे ऑब्जर्वेशन हैं तो आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों ने एक टेस्ट दिया और बहुत सारे बच्चों को 0 नंबर आ गए, ठीक है, तो आपका 0 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप मीडियन निकालना चाह रहे हो तो 0 0 0 ऐसे अगर लाइन से अरेंज करते हो तो आगे कुछ अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है, तो उनमें जो बीच वाला वैल्यू है वो मीडियन होगा, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, लेट अस से 0 की है, तो आपका मोड का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर भले आपके क्लास में 100 नंबर लाने वाले भी बच्चे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये जो तीनों वैल्यूज होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपको काफी अच्छा आइडिया देती हैं अबाउट द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड, ठीक है। एक अगर कोई पर्सन पूरा डेटा नहीं पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, जैसे अगर कोई क्लास का कोई अगर स्कूल का प्रिंसिपल है, वो आपके पूरे क्लास में एक एक बच्चे का रिजल्ट नहीं देखना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड देख सकता है हर क्लास का, ताकि उसको पता चले कि कौन सा क्लास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस क्लास पर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो डिस्कशन बच्चों हमारा कंप्लीट होता है किसके लिए, मीन, मीडियन, मोड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लो, क्योंकि इस पे से एक बार क्वेश्चन आया था, बार बार आएगा ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन तब भी आपको देखा हुआ होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो जब भी बच्चों आप डेटा को प्लॉट करते हो, ठीक है, अगर कोई अच्छा डेटा है तो आपको एक बेल कर्व मिलेगा, ठीक है, अगर आप अच्छा डेटा प्लॉट करते हो तो आपको एक बेल कर्व मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रेड वाला बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर कुछ स्क्यूनेस भी आ सकती है, स्क्यूनेस मतलब क्या है कि आपका जो एवरेज है, आपका जो एवरेज है उससे आगे जाके आपको बड़ी वैल्यूज मिल रही है। मतलब क्या है, लेट अस से क्लास का एवरेज अगर 50 मार्क्स है 100 में से, ठीक है, तो आपने पता किया तो यहाँ पे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे किस साइड लाया कर रहे हैं, 75 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब मोड की वैल्यू, ठीक है, मोड की वैल्यू आपने देखी तो मोड की वैल्यू आपको कितनी मिली, 75 मिली, ठीक है। तो उस केस में आपको जो बेल है थोड़ा सा स्क्यू हो जाएगा, वो बीच में नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्क्यू हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, किसी क्लास में आपने देखा कि यहां पर 50 तो क्लास का एवरेज है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे पता चला कि आपके पास 25 वाले, ठीक है, देन इन दैट केस ये ब्लू वाला ग्राफ बनेगा आपके पास में, तो यहां पर स्क्यूनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर हम मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन तो समझना चाह रहे हैं, लेकिन यह भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि बहुत ज्यादा स्क्यूड डेटा अगर होगा तो यह रिलेशन वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है स्टेटमेंट, फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये रेड कर्व के बहुत आसपास टाइप का ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर रिलेटेड बाय मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 times ऑफ मीन माइनस मीडियन। अब इस तरीके से याद करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहां पर मीन माइनस मोड एंड मीन माइनस मीडियन जो है उनको याद रखना आसान है। अदरवाइज इसको आप ओपन कर सकते हो ब्रैकेट को, और ब्रैकेट को ओपन करके चीजें अरेंज कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स में उस तरीके से भी रिलेशन दिया हुआ होता है, लेकिन उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है किसके साथ में 2 लिखा है, किसके साथ में 3 लिखा है, कौन राइट साइड में कौन लेफ्ट साइड में, इससे तो ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 times ऑफ मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसा होगा, यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आया था 2005 में, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर दिस एंड दैट, ठीक है। तो एक बार फॉर्मुला देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है इसके अंदर, मीन माइनस मोड है ना, फॉर्मुला क्या है हमारा, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 times ऑफ मीन माइनस मीडियन,
मीन माइनस मीडियन, ऐसा हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर क्या क्या डेटा दिया हुआ है, क्या क्या मिसिंग है, देन फाइंड इट्स मोड, मतलब यहां पर ये वाला डेटा आपको फाइंड करके बताना है, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इस फॉर्मूला का यूज करके आपको इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर बता के निकाल के बताना था, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका मीन का वैल्यू 21, मोड का वैल्यू एम मान लेते हैं, पता नहीं हमें, और वैसे ही थ्री टाइम्स ऑफ मीन का वैल्यू आपको पता है 21, और यहां पर आपके पास मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 22, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आपके साथ जाएगा 21 माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 3, तो यहां से आपका m का वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है। ऑलराइट, विच इज योर डी ऑप्शन। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो नहीं कर सकते, यू शुड फर्स्ट नो द फॉर्मूला एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो हमने यहां पर बच्चों क्या क्या डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, हमने यहां पर मीन मीडियन मोड का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या यहां पर पढ़ने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड द डेटा इवन बेटर, ठीक है। यहां पर मीन मीडियन मोड आपको ऑलरेडी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आपको मतलब विराट कोहली का एवरेज देख के समझ में आ गया कि हाँ यार ये अच्छा प्लेयर है ना, किसी और का एवरेज देख के पता चलेगा नहीं यार ये उतना अच्छा प्लेयर नहीं है विराट कोहली जितना, ठीक है। लेकिन यहां पर और भी एक वैल्यूज होती है जो हमें पढ़ना पड़ती है, विच इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं डेटा को देखता हूं तो कितना स्प्रेड आउट है, एक अगर कोई बीच वाली वैल्यू में सिलेक्ट करता हूं तो उसके कंपैरिजन में कितना स्प्रेड आउट डेटा है, वो यहां पर हमें मेजर करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट, उसका इंपॉर्टेंस देखो आपको समझ में आएगा एक सिंपल से एग्जांपल से, है ना। हम पहले देखते हैं कि यहां पर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इज मीन मीडियन एंड मोड नॉट सफिशिएंट, है ना। क्या ऐसा हो रहा है कि हम डेटा का एनालिसिस करने जा रहे हैं लेकिन उससे जो हमें यहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है वो उतनी अच्छी नहीं है? तो एक बार देखो यहां पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग सिनेरियोस इमेजिन करते हैं। लेट्स से हम केवल मीन को देखते हैं, है ना, मीडियन मोड को थोड़ी देर इग्नोर करते हैं, है ना, ताकि मैं आपको समझा पाऊं इंपॉर्टेंस इसका कि डिस्पर्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके क्लास में क्लास वन है उसमें भी 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास टू है उसमें भी 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लास वन ने टेस्ट दिया तो 10 बच्चों को 0 मार्क्स आए और 10 बच्चों को 100 मार्क्स आए, 10 बच्चों को 0 मार्क्स आए और 10 बच्चों को 100 मार्क्स आए। अगर इस केस में आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ऑब्वियसली 0 100 एवरेज 50 आएगा, ठीक है। ऑलराइट, और वैसे क्लास टू है, क्लास टू थोड़ा सा एवरेज क्लास है ना, यहां पे एकदम से बहुत परेशान करने वाले बच्चे भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर सारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे 20 बच्चे 50 नंबर लेके आए। तो इस केस में भी इस क्लास का भी एवरेज कितना होगा, इस क्लास का भी मीन कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि हर बच्चे के नंबर 50 है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ये बोलता हूं कि क्लास वन का भी यहां पर एवरेज 50 है, क्लास टू का भी एवरेज 50 है, तो क्या हमने इन दोनों क्लासेस को सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए क्या? नहीं, इन दोनों क्लासेस को सेम तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। शायद यहां पर मुझे ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराने की जरूरत है, शायद इनसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, और यहां पर शायद मुझे ज्यादा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे एकदम 0 नंबर ला रहे हैं, ठीक है। सो हाउ आई प्रोसीड विथ इंप्रूविंग दैट एवरेज इज डिफरेंट फॉर बोथ द क्लासेस, ठीक है। लेकिन इनका एवरेज का वैल्यू सेम आ रहा है, इनका मीन का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर हमें डिस्पर्शन स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर डिस्पर्शन है ही नहीं, इसके अंदर डिस्पर्शन है ही नहीं, सबके 50 है, मतलब सबके सब एक मिड पॉइंट पे है, 50 पे ही है, ठीक है। जबकि इसके अंदर डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर एवरेज तो 50 है लेकिन आपको 100 तक के नंबर भी मिल रहे हैं और आपको 0 तक के नंबर भी मिल रहे हैं, ठीक है। सो डिस्पर्शन इज नॉट सेम। इस केस में आप अगर डिस्पर्शन का डेटा स्टडी करोगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा इंटरप्रिटेशन निकालने में, इसलिए हमें यहां पर डिस्पर्शन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, तो डिस्पर्शन क्या बोल रहा है, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू उससे आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर आपको डिस्पर्शन पता करना है तो हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हालांकि आपके बोर्ड्स में और भी होंगी मेथड्स, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो ही इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, एक है मीन डिविएशन और एक है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन को ही स्क्वायर करके, क्योंकि वेरियंस आ रहा है इसलिए हम उसको अलग से पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन समझ लिया मतलब वेरियंस भी समझ लिया, ठीक है। सो मीन डिविएशन से स्टार्ट करते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि इसके फॉर्मुलेस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो देखते हैं यहां पर डिस्पर्शन स्टडी करने के लिए मीन डिविएशन क्या बोल रहा है आपको। मीन डिविएशन ये बोलता है कि आपको अगर डिस्पर्शन स्टडी करना है, लेट अस से मीडियन के अबाउट, है ना, आपको किसी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के अबाउट हमेशा डिविएशन कैलकुलेट करना होता है। तो दैट डिविएशन कुड बी अबाउट मीडियन, दैट डिविएशन कुड बी अबाउट मोड, दैट डिविएशन कुड बी अबाउट मीन ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर जैसे कैपिटल एम लिखा है तो आई थिंक दिस इंप्लाइज कि यहां पे हम मीडियन के अबाउट डिस्पर्शन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एवरेज के अबाउट डिस्पर्शन लेके बताता हूं एक बार, ठीक है। एवरेज के अबाउट अगर आप डिस्पर्शन लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बार नंबर लाइन के ऊपर ऐसा करते हैं, मैं सारा डेटा पॉइंट्स प्लॉट करके बताता हूं, ठीक है, क्या होने वाला है यहां पर। यहां पर मेरे पास लेटर से ऐसा कुछ है कि मेरे पास यहां पर बीच में 15 है, फिर यहां पर 20 है, फिर 25 है, और लेफ्ट साइड में मेरे पास 10 है और 5 है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है डेटा तो ऑब्वियसली इसका एवरेज कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा, यस,
ये तो देखते समझ में आ रहा है, इस डेटा का एवरेज 15 निकल के आएगा। चाहो तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर एवरेज के अबाउट मेरा डेटा डिस्पर्शन निकालना चाह रहा हूँ, तो डेटा कितना स्प्रेड आउट है मैं वो निकाल के देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर स्प्रेड तो है डेटा, डेटा एक ही जगह चिपका हुआ तो नहीं है, डेटा काफी लंबे डिस्टेंस में स्प्रेड है, 5 से लेकर 25 तक मेरा डेटा स्प्रेड आउट हो रहा है। तो यहां पर मैं देखता हूं कि स्प्रेड कितना है। तो अगर मैं देखूंगा स्प्रेड आउट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा। जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से अगर मैं मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इस केस में कितना आंसर आएगा, आपके पास 5 आएगा, और अगले वाले केस में आपके पास 10 आएगा। लेकिन पिछले वाले केस में कितना आएगा, आपके पास -5 आएगा, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में 15 सब्ट्रैक्ट करने वाले हो आप। और वैसे ही इसमें से कितना आएगा आपके पास, अगर 5 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10 आएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आप यहां पे साइन को इंपॉर्टेंस दोगे, देन इन दैट केस आप अगर सारे डिस्पर्शन को ऐड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि डेटा में डिस्पर्शन नहीं है, डेटा में डिस्पर्शन तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, डेटा में डिस्कशन डिस्पर्शन जो है 5 से लेकर 25 तक है। तो अगर मैं यहां पर सारे डिस्पर्शन को ऐड करूंगा कि कितने कितने दूर हैं, ठीक है, तो एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब डेटा को डिस्पर्शन के वैल्यूज को डायरेक्टली आपने ऐड नहीं करना होता है यहां पर, इसलिए हम ऐड करते समय क्या ध्यान रखते हैं कि मॉडुलस का भी साइन लगाना है, ठीक है। अगर मैं सब पे मॉडुलस का साइन लगा दूंगा, मतलब मैंने चीजों को पॉजिटिव बना दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मीन डिविएशन निकाल रहा हूं, जितना डिविएशन है उसका मीन ले लेंगे। तो मीन लेते तो हमें आता है ऑलरेडी, है ना। तो यहां पर कितने डेटा पॉइंट्स का मीन लेंगे हम, यहां पर हम बेसिकली देखा जाएगा तो एक्चुअली 15-15 करके एक 0 भी नंबर आएगा यहां पे, ठीक है, 15-15 करके 0 भी एक नंबर आएगा। तो 0 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, और उसको फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से आपको 15 सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद फिर जो जो वैल्यूज आई है उनका एवरेज ले लेना है, लेकिन पहले मॉड ले लो उसके बाद एवरेज लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, एक्स माइनस एम का मॉड का सम डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, ये आपका मीन डिविएशन का वैल्यू है। मीन निकालते क्योंकि आपको आता है, सबको ऐड करके एन से डिवाइड करना है, और डिविएशन का मीन निकाल दोगे तो मीन डिविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डिविएशन निकालने पड़ेंगे, डिविएशन कैसे निकालेंगे, कोई भी क्वांटिटी सारे ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऊपर से क्या लगाना पड़ता है, आपको ऊपर से मॉड भी लगाना पड़ता है, ठीक है, ऐड करने के पहले। तो दिस इज अ सिंपल थॉट ऑफ मीन डिविएशन। यहां पर हम कोई बड़े फॉर्मुलेस नहीं देख रहे हैं बच्चों, इसमें बड़े बड़े फॉर्मुलेस होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टेबल ही नहीं बनने वाला है तो फिर अननेसेसरी फॉर्मुलेस बड़े वाले पढ़ के भी यहां पर इस क्लास में कोई मतलब नहीं। अगर बोर्ड्स के लिए किसी दिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आई विल टीच यू कि वहां पर टेबल कैसे बता दें, लेकिन आज क्योंकि हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमें ज्यादा बड़े वाले फॉर्मुले से फिकर करने की जरूरत नहीं है। वी कैन एक्चुअली स्टार्ट सीइंग कि यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मीन डिविएशन के ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, तो 2009 में एक क्वेश्चन आया था, लेट अस ट्राई दिस आउट। क्या बोल रहा है यहां पे, इफ द मीन डिविएशन ऑफ द नंबर्स 1, 1+d, 1+2d, 1+up to 100d, ठीक है, फ्रॉम देयर मीन इज 255। मीन डिविएशन का वैल्यू 225 है, लेकिन डिविएशन किस नंबर के अबाउट देखा उसने, मीन के अबाउट देखा, ऐसा ये बोल रहा है। अगर मीन के अबाउट इसने मीन डिविएशन कैलकुलेट किया है, मतलब क्या होगा, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कैसे दिखाई देगा, ये एक्स माइनस एक्स बार का मॉड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई देने वाला है। लेकिन यहां पर मुझे एक्स बार नहीं दिया है बच्चों, क्योंकि मुझे यहां पे एक्स बार नहीं दिया है, तो पहले तो मुझे कैलकुलेशन करके एक्स बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड एक्स बार हियर। एक्स बार का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आएगा, एक्स बार सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को मुझे ऐड करना है। कितने ऑब्जर्वेशन है यहां पर, हो सकता है सभी को दिखाई दे कि 101 ऑब्जर्वेशन है, पहले वाले में एक भी डी नहीं है, दूसरे वाले में एक डी है, तो लास्ट वाले में 100 डीज है। मतलब ये कौन से पोजीशन का टर्म हो गया, ये 101th पोजीशन का टर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर एक ही डी है वो सेकंड पोजीशन का टर्म है, जिसके अंदर दो डी है वो थर्ड पोजीशन का टर्म है, एक आगे वाला पोजीशन का टर्म है वो, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 101 टर्म्स है, तो सबको ऐड कर लेते हैं क्योंकि आपको एवरेज निकालना है। 1+1+d+1+2d, है ना, ऐसे कुछ करेंगे, और ये ऐड होके आपको कहां तक जाना है, ये ऐड करते करते आपको जाना है 1+100d तक, और ये जो पूरा का पूरा डब्बा है इसको डिवाइड करेंगे 101 से, तो आपके पास आंसर आएगा एवरेज का, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन करते जाओ कुछ अच्छे से कैंसिलेशंस हो जाएंगे। अब यहां पर हर ब्रैकेट के अंदर एक एक वन है, हर ब्रैकेट के एक एक वन है, मतलब कितना बनेगा, ये 101 बनेगा, ठीक है, हर ब्रैकेट के अंदर एक एक वन है तो 101 बनेगा, ठीक है। उसके बाद डी वाले वैल्यूज कैसे हैं, डी वाले वैल्यूज डी से स्टार्ट होकर 100d तक जा रहे हैं, तो D कॉमन निकालो, तो इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक ऐड करना है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 वाला फॉर्मुला हमारे पास है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, D के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2,
और इसको किससे डिवाइड करना है, 101 से डिवाइड करना है। तो आप अगर इसको 101 से डिवाइड करोगे तो बहुत बढ़िया कैंसिलेशन हो जाएंगे और आपका एक्स बार का आंसर काफी छोटा सा दिखाई देगा, 1 + 50d, ये आपका एवरेज वैल्यू है। ठीक है, ऑलराइट, तो 1 + 50d मेरे पास आ गया है। अब अगर मुझे मीन डिविएशन निकालना है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के अबाउट, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इसको फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मुझे ये वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, हर एक ऑब्जर्वेशन में से ये वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है 1 + 50d। 1 + 50d अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्शन लिखना है यहां पे। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं, मीन डिविएशन अबाउट मीन, ऐसा एक्स बार लिख दिया ब्रैकेट में, मतलब क्या है वो बता रहे कि किस नंबर के अबाउट मैं मीन डिविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मीन डिविएशन अबाउट मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार सब्ट्रैक्ट करके उसके मॉड का और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 101 है, हमें पता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, आप अगर इसको अच्छे से एक्सपांड करोगे बहुत सारा कुछ कुछ लिखना पड़ेगा नो डाउट, लेकिन हो जाएगा। क्या करेंगे यहां पे कैलकुलेशन में, पहले वाले में से आपने 50d सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, -50d हो जाएगा, लेकिन उसका मॉडुलस करना है आपको। उसके बाद में दूसरे वाले में से 1 + d में से, 1 + d में से अगर आपने 1 + 50d सब्ट्रैक्ट किया तो 1 तो कैंसिल होगा ही, लेकिन साथ में d - 50d मतलब कितना हो जाएगा, -49d, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, ऑलराइट, और ऐसे आपके वैल्यूज कम होते जाएंगे नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर बच्चों यहां पे एक एक करके डी बढ़ रहा है तो ऐसा भी एक पॉइंट आएगा जहां पे एक्जैक्टली 1 + 50d लिखा हुआ होगा, 1 + d, 1 + 2d, 1 + 3d, कहीं ना कहीं 1 + 50d भी आएगा। तो जैसे 1 + 50d आएगा वहां पे आपको मॉड के अंदर जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं मॉड के अंदर जीरो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा 1 + 51d। 1 + 51d जब लिखोगे तो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन के बाद में आपके पास प्लस डी आएगा। ठीक है, आपके पास प्लस डी आएगा और क्या होगा, फिर +2d आएगा। और जैसे आप लास्ट 1 + 100d तक पहुंचोगे तो आपका एंड कहां पे हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 तो कैंसिल होगा और लास्ट एंड होगा आपका यहां पे मॉड ऑफ 50d पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डब्बा है ये आपने सारे मीन सारे डिविएशन को ऐड कर दिया। सारे के सारे डिविएशन को ऐड करने के बाद अगर आप यहां पे 101 से डिवाइड करोगे तो आपको मीन डिविएशन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके मीन डिविएशन का आंसर है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि रिपीटेशन हो रहे हैं, -50d और 50d। वैसे यहां पर इसके जस्ट पहले जो आएगा दैट इज ऑल्सो डी और इसके बाद जो आ रहा है वो भी डी। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, डी से लेके 50d तक ही है, मॉड लेके निगेटिव साइन को हटा देंगे तो डी से लेके 50d तक ही है और आपको इन सबको ऐड करना है। लेकिन कितने हो गए, ये 2 बार हो गए, तो इसका एडिशन कैसे होगा, 2 times ऑफ डी प्लस 2d, ऐसे करते करते 50d तक। ठीक है, और डिविजन करना है आपको 101 से। क्लियर हो रहा है, डिवीजन करना है हमें 101 से। तो यहां पर अगर आप 50d तक जा रहे हो तो आपका फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा सा बनने वाला है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पे डी कॉमन निकाल के 50 × 51 / 2, लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो पूरा का पूरा मीन डिविएशन है उसका वैल्यू 255 है। उसका वैल्यू अगर 255 है तो अगर आपने जैसे यहां पे इक्वल टू 255 लिखा तो यहां पर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी डी में विच कैन देन बी सॉल्व। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, 2 तो है ही, साथ में अगर मैं डी कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पर आ रहा है 1 + 2 + 3 / 50 और डिवीजन में आ रहा है आपके पास 101 और लास्ट में आपको इक्वेट करना है 255 से। ठीक है, 255 से, ऑलराइट। तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा 2 × 50 × 51 / 2 और उसके नीचे आएगा 101, तो यहां से 2 और 2 को कैंसिल करो, इक्वल टू में लिखा है 255। तो अब आगे आपको केवल कैलकुलेशन करना है और यह बताना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको कैलकुलेशन कैसे करोगे बच्चों, करें हिम्मत, तो डी हो जाएगा आपका 255 × 101 / करोगे 50 as well as 51। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो मुझे पता है आंसर कितना आएगा तो बता देता हूं, लेकिन आप लोग यहां पर एक बार फिर से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.1। ठीक है, एक बार कैलकुलेशंस फिर से समझ लो क्या करना है, सारे डिविएशन निकालना है, डिविएशन को मॉड लेना है और मॉड लेके जो आपके पास एक्सप्रेशन बन रहे हैं उनका एवरेज लेना है। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन डिविएशन। ऑलराइट, तो मीन डिविएशन बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन आप फिर से नोट कर लो, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन,
2011 में, लेकिन यहां पर फिर से मीन डिविएशन का डिस्कशन हो रहा है, मतलब आपको मीन डिविएशन कैलकुलेट करते आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक यहां तक आपने समझ लिया है सारी बातें। हमने बच्चों क्या क्या कर लिया है आज, मीन मीडियन मोड के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ले लिया है, और डिस्पर्शन में एक मेथड हमने सीख लिया है विच इज मीन डिविएशन। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस वाले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे हम मैथमेटिकल लॉजिक, विच इज वेरी वेरी इजी टॉपिक फॉर अस, ठीक है। तो यहां पर ये दो चीजें करने के बाद आपका जो मेंस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों। आपको यहां पर चीजें समझ में आ रही हैं, जल्दी से लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें पता चले कि यहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर जेई प्रिपरेशन, ठीक है। और बच्चों हमारी फैमिली बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, वी ऑलरेडी क्रॉस 3.2 लाख वाला मार्क, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर शेयर करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे, ठीक है, सो वी विल गेट मोर एनकरेजमेंट, और हमें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, हम जो यहां पे डिलीवर कर रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं उस बात को, उससे उनको एडवांटेज हो रहा है, और हमने इसी तरह से आगे काम करते रहना चाहिए, ठीक है। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स आल्सो कि यहां पर आपने अगर आंसर निकाला है तो कितना आंसर आएगा उस क्वेश्चन का जो मैंने बताया अभी, आल्सो अदर फीडबैक्स दैट यू वांट टू गिव, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक दिस वीक इज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। इस वीक में जो भी आपको कंटेंट पढ़ने को मिला है बच्चों, उसको अच्छे से नोट्स को डाउनलोड करके रखना, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और फॉलो करो यहाँ पर चैनल को अच्छे से, ताकि आपका कोई भी कंटेंट मिस ना हो। नमो सर और जयंत सर यहाँ पर आपकी फिजिक्स में हेल्प कर रहे हैं, पारस सर केमिस्ट्री में, और मैं आपकी मैथमेटिक्स में हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय।